नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पहले से पता होगा कि मैंने इस YouTube चैनल पे फिर से टाइपिंग रिलेटेड डॉट्स जो आप सभी के होते हैं उन्हें मैंने पहले से बोल रखा है कि आप सभी को कमेंट करना है और मैं उन सभी कमेंट्स को लेकर के एक वीडियो बनाया करूँगा। ठीक है, तो आज जो कि है मैंने कमेंट ले रखा है सचिन प्रसाद जी का। उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हर लाइन के बाद दिया होता है क्या। तो हाँ, आपका जब आप टाइपिंग का एग्ज़ाम जब देते हो तो जो आपको सीट मिलता है उसके हर एक लाइन के एंड में, ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग लाइन में 10 कैरेक्टर्स अगर है तो स्टार्टिंग में 10 रहेगा, उसके बाद फिर नीचे वाले लाइन में, ठीक है, मतलब सेकेंड लाइन में आपका अगर 15 कैरेक्टर है तो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा पहला वाला फर्स्ट 10 हुआ था और नीचे वाला 15 मतलब 25। फिर आप उसके नीचे जाओगे मतलब थर्ड लाइन है, अगर फिर से 10 कैरेक्टर उसमें है तो फिर से 10 मतलब 35, इस तरीके से आपका लिखा हुआ रहता है। इसलिए आप सभी को पता चल जाता है कि आपको कहाँ तक टाइप करना है। और मैंने पहले ही बोल रखा है कि आपके पैसेज में कितना भी दिया हुआ रहे 1750 ही टाइप करना है, उसके बाद आप सभी को मिला लेना है, टाइम बचे तो बाकी का आप कर लो, बाकी वो नेसेसिटी नहीं है करने का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आशा करूँगा कि ये वीडियो आप सभी को पसंद पड़ा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, इस चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलता हूँ मैं, थैंक यू टाटा एंड बाय बाय।